हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि सभी सरकारी बैंक को प्राइवेट के हाथों दे देना चाहिए, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, जिसमें फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो छोड़ दिया गया है लेकिन लपेटे में आगे उन्हें भी ले लिया गया है। तो देखो, ऐसे में बातों बातें में बताऊँ तो आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो खबर निकलकर सामने आया है मैं सोच रहा हूँ लाइव में आपको दिखाऊँ, पढ़कर और आप ध्यान सुनेंगे और देखेंगे भी। तो थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा भी होता है तो टेंशन नहीं लेना, इंफॉर्मेशन पूरा प्राप्त करना। चलिए दोस्तों, खबर निकलकर क्या कुछ सामने आया है इस पर हम नजर डालते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक दिया गया है बैंक प्राइवेटाइजेशन, जिसमें बताया गया है कि SBI को छोड़ सभी सरकारी बैंक होंगे प्राइवेट, जानिए लेटेस्ट अपडेट। हालांकि इसमें SBI को भी घसीटा गया है, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि देश में निजीकरण को लेकर तेजी से काम हो रहा, देश में 2 सरकारी बैंक का प्राइवेटाइजेशन इसी साल होने जा रहा है। इसी बीच देश के 2 प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है सरकार को भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। यहां पर जो है मैंने आपको पहले बताया वही चीज दिया गया है, यहां से शुरू करते हैं, जिसमें लिखा गया है सभी बैंकों का होगा निजीकरण। और इसमें लिखा गया है कि देश में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के बीच देश के 2 बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण होना चाहिए। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगडिया और NCEAR की डायरेक्टर जनरल और प्रधानमंत्री को आर्थिक विषयों पर सलाह देने वाली परिषद की सदस्य पूनम गुप्ता ने सरकार को यह बड़ी सलाह दी है। मतलब इतने लोग हैं जो कि आप देख सकती हैं, यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये पूनम गुप्ता सरकार को ये बड़ा सलाह दिया है, जिसमें कहा है कि यहाँ पर देश के जितने भी सरकारी बैंक हैं, फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर सभी को प्राइवेटाइजेशन कर देना चाहिए, प्राइवेट के हाथों में दे देना चाहिए। इसके ठीक नीचे आते हैं तो बताया गया है कि इंडिया पॉलिसी फोरम में पेश पनगडिया और गुप्ता ने एक पॉलिसी पेपर में कहा है कि सरकारी बैंकों का निजीकरण सबके हित में है, अधिकतर बैंकों के प्राइवेट सेक्टर में जाने से भारतीय रिजर्व बैंक पर भी दबाव बढ़ेगा कि वह पूरी प्रक्रिया नियमों और कानूनों को सुव्यवस्थित करे ताकि इसका अच्छा नतीजा निकल सके। यहां पर बताया गया है कि SBI को क्यों रखा गया है बाहर, तो यहां पर लिखा गया है NCEAR.org के तरफ से दी गई रिपोर्ट के अनुसार इस पॉलिसी पेपर में कहा गया है कि सैद्धांतिक रूप से भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी सरकारी बैंक का निजीकरण किया जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन भारत के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में कोई सरकार यह नहीं चाहेगी कि उसके पास कोई सरकारी बैंक नहीं हो। भाई यही तो बात है, सरकार के पास कोई भी सरकारी बैंक ना रहेगा तो प्राइवेट वाले मनमानी करेंगे और बाद में सरकार भी फंस जाएगी। तो यहां पर सरकार चाहेगी ही कि हमारे पास कोई सरकारी बैंक हो। यहां पर और लिखा गया है, इसे देखते हुए फिलहाल लक्ष्य SBI को छोड़कर बाकी सभी बैंकों का निजीकरण करना होना चाहिए, अगर कुछ साल बाद माहौल अनुकूल दिखे तब SBI का निजीकरण भी किया जाना चाहिए। यानी दोनों ही अर्थशास्त्री बैंकों के प्राइवेट होने पर अपना पूर्ण सहमत दे रहे हैं। तो भाई यहां पर फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाहर छोड़ा गया है, लेकिन आगे बताया गया है कि अगर जो है माहौल अनुकूल दिखे तब इसे भी प्राइवेट के हाथों सौंप देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पर लिखा है कि सरकार की क्या है योजना, तो चलिए देख लेते हैं क्या है योजना। तो गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में IDBI बैंक के साथ 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण की घोषणा की थी। इसके अलावा नीति आयोग के प्राइवेटाइजेशन के लिए 2 PSU बैंक को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया है। लगातार हो रहे विरोध के बावजूद सरकार निजीकरण के लेकर अपना पक्ष पहले से ही साफ कर चुकी है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा भी था कि चालू वित्त वर्ष में एक बीमा कंपनी को बेचा जाएगा। अब नीचे आते हैं तो देखो, सवाल यहां पर आपके मन में होगा कि कौन से 2 बैंक जो है उसे प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा फिलहाल। तो बताया गया है कि सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन कौन किया जाएगा, तो की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार निजीकरण के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक को संभावित उम्मीदवारों के रूप में चुना गया था। यानी इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वे 2 बैंक हैं जिनका निजीकरण सबसे पहले
हो सकता है। तो फाइनली आपने देख लिया, सुन लिया कि किस प्रकार की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है। अब देखिए, जो सरकारी बैंक है उसका तो स्थिति ठीक है ही नहीं, आप अपने आसपास में भी झांक कर देख सकते हैं। आखिर इतना ज़्यादा स्थिति बिगड़ा कैसे? अगर आपको ये मालूम हो तो वीडियो के नीचे अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता देना चाहूँगा, SBI का स्थिति ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है, मतलब जो चलाने वाले हैं, जो सोचने वाले हैं, उनको लगता है कि प्राइवेटीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर देने से यहाँ पर इसका स्थिति ठीक हो सकता है, क्योंकि बगल में ही प्राइवेट बैंकों की स्थिति देखो ठीक है, जैसे HDFC, एक्सिस बैंक, ये सभी, मतलब ICICI, ये सभी का स्थिति जो है मतलब ठीक लग रहा है। तो इसी चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही गई है। वैसे आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिकवा शिकायत तो सभी बैंकों में रहती ही है, वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।